एक नेता की और बात करूंगा, वो भी बड़े भारतीय परंपरा के हैं, बिल्कुल सनातनी परंपरा के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जी, उनको देखिए जो अब इस तरह हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उनके फैब्रिक को हम देख सकते हैं, जैसे वो बहुत सादा हैं, एक ही कलर पहनते हैं, लेकिन उनको हमारे मध्य प्रदेश का माहेश्वरी सिल्क देना चाहिए। क्या आप देखिए कितना प्यारी चीज़ है, उसी की लुंगी और उसी का कुर्ता, वो पहन के भी उनको अच्छा लगेगा कि ये प्योर है, हैंडलूम है और मध्य प्रदेश का है। वैसे तो सिल्क उनके यहाँ का बनारसी सिल्क तो गजब है, वो लोग तो राजा हैं उसके। तो उनकी पहचान वही है, वो भगवा ही उनकी पहचान भगवा है, लेकिन हमारे उमाजी थी। हाँ, वो तो ये लोग, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो लोग सबसे सादा होते हैं वो सबसे ज़्यादा फैशनेबल होते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अब उनको पहनना है, जैसे किसी को वाइट ही पहनना है या किसी को भगवा ही पहनना है, लेकिन वो भगवा के अंदर भी फैब्रिक के टेक्सचर्स को ढूंढते हैं, कंफर्टेबल हो, रॉयल हो, है ना, फील अच्छा हो और फिर अलग हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लोग समझते हैं कि जो लोग बिल्कुल सादे कपड़े पहनते हैं वो ना बाजार जाते होंगे और कहते होंगे कि लाओ मुझे भगवा कलर दे दो, ऐसा नहीं है। वो लोग भी फील करते हैं कपड़े को 50 कपड़े आते हैं, उसको फील करते हैं, उसमें से कहते हैं हाँ ये ठीक है, या बोलते हैं नहीं और लेकर आओ और दिखाओ, डिफरेंट दिखाओ। तो ऐसा होता है, कलर तो एक है लेकिन कपड़े के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो इनको तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनको तो हमारे यहाँ का सिल्क भेजना चाहिए कि आप, या उनको कुर्ता भेजना चाहिए उसके साथ एक अंगवस्त्र और एक लुंगी कि आप इसकी को पहन के देखिए कैसा लगता है। देखिए एक कलाकार है, वही कल्पना कर सकता है, सिर्फ भगवा पहनते हैं, भगवा में भी उनको क्या पहनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को बता रहे थे फैशन डिजाइनर मुमताज खान साहब।